नमस्कार, मैं हूँ प्रगति बंसल और आप देख रहे हैं ऑल द न्यूज। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ किया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। समुद्र के बीच क्रूज पर हो रही हाई प्रोफाइल पार्टी पर छापेमारी में पकड़ा गया शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। एनसीबी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई लाई, हो रही है पूछताछ। एनसीबी ने आर्यन खान के फोन को किया जब्त, खंगाले जा रहे हैं मोबाइल फोन के चैट्स। क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने भारी मात्रा में बरामद की ड्रग्स। आर्यन खान और दो लड़की समेत 8 लोग हिरासत में और 2 लोगों को छोड़ा। हिरासत में लिए गए लोगों में अरबाज मर्चेंट और विक्रांत नाम के 2 शख्स भी शामिल, बॉलीवुड स्टार के बेटे के बताए जा रहे हैं करीबी। क्रूज से बरामद ड्रग्स में करीब 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकेन और 25 MDMA ड्रग्स की टैबलेट और 10 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद। मुंबई में 2 अक्टूबर को निकला था क्रूज, कल होनी थी मुंबई वापसी, उससे पहले एनसीबी ने की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर थे कुल 1800 लोग सवार, इसमें से 600 हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। महंगे दामों पर खरीदे गए थे क्रूज पार्टी के एंट्री पास। 60,000 से लेकर 5,00,000 तक रखी गई थी टिकट की कीमत। क्रूज पार्टी एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर आयोजित कराई थी। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने पार्टी के ऑर्गेनाइजर काशिफ खान को पूछताछ के लिए किया तलब। जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली एक और साजिश बेनकाब। बलियान इलाके में गिराए गए हथियार, AK-47 समेत कई हथियार और कारतूस बरामद। ओडिशा के पीपली विधानसभा उपचुनाव की मनगणना में BJD उम्मीदवार आगे, पहले राउंड में ही 1400 वोटों की बढ़त, दूसरे पायदान पर BJP। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी, अब तक मतगणना में TMC तीनों सीटों पर आगे। भवानीपुर विधानसभा सीट पर CM ममता बनर्जी BJP उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल से करीब 29,000 मतों से आगे। काउंटिंग सेंटर के बाहर बड़ा सुरक्षा पहरा। भवानीपुर में 1,20,000 के करीब हुआ था मतदान, 21 राउंड तक होगी काउंटिंग। CM ममता के आवास पर अभी से शुरू जश्न, जोश में दिख रहे हैं TMC के कार्यकर्ता। भवानीपुर में BJP उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को अभी से सताया गया। मतगणना के बाद हिंसा का डर, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। गुजरात के गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव जारी, शाम 6 बजे तक होगा मतदान। लालू परिवार में तकरार की एक और सीरीज, बड़े बेटे तेज प्रताप ने तेजस्वी पर इशारे में किया वार। तेज प्रताप का आरोप, लालू यादव को पटना आने से रोका जा रहा है, कहा कुछ लोग अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। यूपी के अमरोहा पहुंचे BSP सांसद दानिश अली ने EVM से चुनाव पर उठाया सवाल, बैलेट चुनाव की मांग। दानिश अली ने कहा, अमेरिका जैसे विकसित देश में बैलेट चुनाव होता है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो भारत में ही नहीं हो सकता। शिमला में कांग्रेस ने की विशेष बैठक, उपचुनाव की रणनीति पर किया मंथन। खरगोन में प्याज की फसल पर जलेबी वायरस का अटैक, फसल बर्बाद होने से किसान दुखी। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।